आइए इस वीडियो में हम देखते हैं स्टॉक के बारे में। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम लोग पहले गोडाउन्स के बारे में देखेंगे कि स्टॉक जो भी होगा वो कहाँ हम स्टोर करेंगे। ठीक है, तो गोडाउन के बारे में हमने लिखा है। गोडाउन को कभी कभी हम लोग लोकेशन के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं टैली का अपडेट में देखिएगा तो वहाँ गोडाउन ना लिख करके लोकेशन लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो लोकेशन और गोडाउन दोनों एक ही चीज़ होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है लोकेशन एंड गोडाउन आर प्लेस्ड वेयर स्टॉक आइटम आर स्टोर, मतलब स्टॉक आइटम जहाँ स्टोर होता है वही लोकेशन या गोडाउन कहलाता है। ठीक है, यू कैन मोनिटर द लोकेशन वाइज मूवमेंट ऑफ स्टॉक बाई क्रिएटिंग मल्टीपल गोडाउन, मतलब आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं लोकेशन वाइज हर एक एक मूवमेंट को अपने गोडाउन पे। ठीक है, बहुत सारे गोडाउन पे, मल्टीपल गोडाउन। ठीक है, लिखा हुआ कि टैली हैज अ डिफ़ॉल्ट गोडाउन नेम्ड मेन लोकेशन। टैली के पास एक डिफ़ॉल्ट गोडाउन होता है जिसका नाम होता है मेन लोकेशन। यू कैन अल्टर, आप इसे चेंज कर सकते हैं टैली डिफ़ॉल्ट से। ठीक है, टैली डिफ़ॉल्ट को आप चेंज कर सकते हैं या क्रिएट अ न्यू वन, आप नया भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन क्रिएट लोकेशन गोडाउन ओनली इफ़ मेंटेन मल्टीपल गोडाउन इज एनेबल, मतलब आप क्रिएट तभी कर सकते हैं जब मेंटेन मल्टीपल गोडाउन इनेबल हो। ठीक है, ये कैसे इनेबल करते हैं वो चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ हर एक लाइन लिख दिए हुए हैं कि हाउ टू इनेबल मेंटेन मल्टीपल गोडाउन इज इनेबल, मतलब कैसे इनेबल किया जाता है। ठीक है, यहाँ स्टेप लिखा हुआ है प्रेस F11 प्लस F2, उसके बाद मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स को क्या करना है, यस करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें कहाँ मिलेगी, तो हम पहले टैली में जाएंगे और क्या दबाएंगे, F11 F2। आइए टैली में आने के बाद हम यहाँ से एक कंपनी बनाए हैं XYZ कंपनी, और यहाँ पे हम करते हैं F11 F2। जैसे ही F11 F2 पे क्लिक किए, F2 पे क्लिक किए तो देखिए यहाँ लिखा हुआ मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स को क्या करना है, यस। यहाँ गए और यहाँ पे इसे YES बटन दबा के क्या किए, एक्सेप्ट करा दिए। इंटर बटन दबा दबा के हम नीचे चले गए, यस हो गया। अब यहाँ से बैक में हम बाहर आएंगे और देखिए अब गोडाउन बनाया कैसे जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इन्वेंट्री इन्फो में ही गोडाउन बनेगा, क्योंकि ये आइटम्स की जिक्र होगी। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जैसे ही अंदर गए तो यहाँ पे देखिए गोडाउन दिखने लगा। यहाँ क्लिक कीजिए, अब देखिए यहाँ पे और कुछ चीज़ें लिखी हुई है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि यू कैन क्रिएशन गोडाउन इन टू मोड, एक है सिंगल मोड और एक है मल्टीपल मोड। ठीक है, तो देखिए सिंगल मोड मल्टीपल मोड आपको मालूम होगा, देखिए सिंगल गोडाउन मल्टीपल गोडाउन, तो हम कोई भी में क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट पे क्लिक किए और गोडाउन का नाम लिख लिए आरा। अब देखिए तो यहाँ एड्रेस पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। हम F12 की यहाँ पर बटन दबाएंगे, क्या दबाएंगे, F12। जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पर दिखेगा कि प्रोवाइड एड्रेस फॉर गोडाउन, हम गोडाउन के एड्रेस को प्रोवाइड करना चाहते हैं। यहाँ से यस करेंगे, अब देखिए दिखने लगा एड्रेस, तो पकड़ी आरा लिख लिए जो भी है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए यूज फॉर क्या लिखा है, आवर स्टॉक विथ थर्ड पार्टी, आपका स्टॉक तीसरे पार्टी के साथ भी है, पार्टनरशिप में है, होगा तो यस करेंगे, नहीं होगा तो नो करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ थर्ड पार्टी स्टॉक विथ अस, मतलब तीसरे पार्टी का स्टॉक आपके साथ है, दोनों में अंतर है, देखिए ध्यान से रखिएगा। आपका स्टॉक थर्ड पार्टी के साथ है मतलब आपका पूंजी ज़्यादा है, थर्ड पार्टी का कम है। यहाँ पे थर्ड पार्टी का ज़्यादा है, आपका कम है, तो इस तरीके का अगर होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो ऐसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो गोडाउन आसानी से आप बना सकते हैं। यहाँ देखना है तो डिस्प्ले में जाइए, डिस्प्ले कर लीजिए, मेन लोकेशन अभी बताया डिफ़ॉल्ट होता है, और आरा गोडाउन हमने बनाया, देखिए आरा बन गया। चलिए अब हमने गोडाउन बना लिया, तो अब यहाँ आकर के देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, परचेज सम स्टॉक फ्रॉम कॉपी घर, कॉपी घर से हम परचेज कर रहे हैं कॉपी पेन, कहाँ पे, आरा गोडाउन में। ठीक है, तो ये चीज़ आकर के देखते हैं, हम लोग परचेज करते हैं, कैसे परचेज होता है, तो ध्यान से देखिए। यहाँ गए हम इन्वेंट्री वाउचर और यहाँ F9 बटन दबा लिए, किससे परचेज करना है, तो कॉपी घर से, तो कॉपी घर का लेजर होना चाहिए, कॉपी घर का लेजर अल्ट के साथ सी बटन, तो कॉपी घर हम बना लेंगे, कॉपी घर। इतना दूर आप लोग को पढ़ा चुके हैं पहले भी, आप पहले का वीडियो देखिए, सन्ट्री क्रेडिटर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटर बटन दबा के एक्सेप्ट करा देंगे, कॉपी घर हो गया।
कॉपी घर होने के बाद यहाँ पे एक लेजर बनेगा अल्ट के साथ सी बटन, जिसका नाम होगा PURCHASE परचेज। ये परचेज अकाउंट के अंदर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आइटम बनेगी क्या क्या, तो कॉपी और क्या क्या खरीदना था, कॉपी और पेन। कॉपी किस में है, पीस में है। चलिए तो हम यहाँ से COPY कॉपी बनाए। इसका यूनिट किस में था, पीस में ना, तो अल्ट के साथ सी बटन दबाएं, PCS, और यहाँ पे बना लें, कॉपी बन गया। किस गोडाउन में ख़रीदना था, आरा गोडाउन में। क्वांटिटी कितनी थी, तो क्वांटिटी आके देखिए, क्वांटिटी 22 पीस थी, अब 20 रुपये के हिसाब से। ये लिखती हैं 22 पीस, 20 रुपया पर पीस, 440 रुपया हो गया। इंटर बटन दबा के एक्सेप्ट करा दिए, कॉपी हो गया। अगला क्या ख़रीदना था, पेन। अल्ट के साथ सी बनाएंगे, PEN पेन, पी से भी है, और यहाँ पे किस गोडाउन में, तो आरा गोडाउन में। क्वांटिटी कितना थी, तो 20 पीस थी, नहीं 5 पीस था, सॉरी रेट है ना, उल्टा लिखती हूँ, 20 पीस 5 रुपया पर पीस। देखिए वो भी सुधारना होगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा, ये 20 पीस है, 22 रुपये के हिसाब से उल्टा हो गया था, अमाउंट तो उतना ही आएगा बट उल्टा हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉपी और पेन दोनों परचेज कर लिए, और इंटर बटन दबा के क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। जैसे ही एक्सेप्ट कराइएगा तो अब आपके स्टॉक में दिखने लगेगा। कैसे स्टॉक देखते हैं, तो यहाँ जाएंगे डिस्प्ले में, बताए हैं पिछले वीडियो में भी बताए हैं, डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज में जाएंगे, और यहाँ से गोडाउन्स पे क्लिक करेंगे, आरा गोडाउन्स में क्लिक करेंगे, तो देखिए दिखाएगा आरा गोडाउन में क्या क्या है। तो 20 पीस कॉपी, 20 पीस पेन, 22 रुपया 5 रुपया के हिसाब से, है ना, इतना रुपया का सामान हम आसानी से देख सकते हैं इजिली। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, ये तो आपका गोडाउन क्रिएशन था, गोडाउन कैसे बनाते हैं, गोडाउन में कैसे खरीदते हैं, ये तो ख़त्म हो गया। ठीक है, अगले ओर चलते हैं, जिसका नाम है स्टॉक ट्रांसफ़र। क्या नाम है, स्टॉक ट्रांसफ़र। स्टॉक कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब एक गोडाउन से दूसरा गोडाउन। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टॉक जनरल इज ए जनरल, स्टॉक जनरल एक भाउचर होता है, वो एक जनरल भाउचर होता है, इन विच ऑल टाइप ऑफ स्टॉक एडजस्टमेंट आर इंटर्ड, मतलब हर टाइप का स्टॉक एडजस्ट उसमें किया जाता है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, क्रिएट न्यू गोडाउन नेम्ड पटना, एक नया गोडाउन बनाए ना पटना। चलिए तो हम पटना बनाते हैं, पटना गोडाउन एक हम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गए, और इन्वेंट्री इन्फो, गोडाउन क्रिएट, और यहाँ से पटना कंकड़ बाग पटना लिख लें, एक्सेप्ट करा दिए, बन गया पटना मेरा। अब यहाँ हम कहाँ जाएंगे, अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमने तो पटना नाम का बना लिया, स्टॉक ट्रांसफ़र आरा गोडाउन टू पटना गोडाउन। हाँ यहाँ पे मैटर आई कि आरा गोडाउन से कुछ ट्रांसफ़र करने हैं कहाँ पे, पटना गोडाउन में, कैसे होगा। तो यहाँ सबसे पहले देखिए क्या क्या करना है, तो 10 पीस कॉपी, 15 पीस पेन। आइए हम यहाँ से स्टॉक ट्रांसफ़र के लिए सबसे पहले कहाँ जाएंगे, स्टॉक जनरल में, जिसका नाम होगा अल्ट के साथ F7, अल्ट के साथ F7। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना, ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, यहाँ पे सोर्स है, यहाँ डिस्टिनेशन है, इधर हम डालेंगे कि यहाँ से भेजो यहाँ तक। अब जैसे ही सोर्स पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए कॉपी 20 पीस दिखा रहा है, कॉपी किस गोडाउन से, तो आरा गोडाउन से 10 पीस भेज दीजिए 22 रुपये वाला। पेन किस गोडाउन से, तो आरा गोडाउन से 15 पीस भेज दीजिए 5 रुपये वाला, हो गया। अब यहाँ पे कॉपी पटना गोडाउन में चाहिए 10 पीस आया, पेन पटना गोडाउन में चाहिए 15 पीस हो गया, और देन एक्सेप्ट करा दें। जैसे ही एक्सेप्ट कराइएगा अब आकर के आप डिस्प्ले में आइए, और यहाँ आइए स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री गोडाउंस। अब देखिए पटना में भी दिखने लगा 10 पीस 15 पीस दिख रहा है। अब आरा में देखिएगा तो वहाँ घट गया होगा, देखिए 10 पीस 5 पीस हो गया,
ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा था स्टॉक, क्यूरी देख लीजिए आइटम वाइज। कॉपी देखिए, कॉपी आरा गोडाउन में 10 पीस और पटना गोडाउन में 10 पीस। आपको इस पे भी नहीं लग रहा है, पेन पे देख लीजिए, आरा में 5 पीस, पटना में 15 पीस। ठीक है, तो हम इस तरीके से स्टॉक ट्रांसफर करते हैं। तो ये दो क्वेश्चंस आपके हो गए। तीसरा भी क्वेश्चन इसी में हमने लिखा हुआ, फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक क्या होता है, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। देखिए लिखा हुआ कि फिजिकल स्टॉक वाउचर इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग द एक्चुअल स्टॉक विच इज़ वेरीफाइड और काउंटेड। मतलब कि फिजिकल स्टॉक एक वाउचर होता है जिसका उपयोग रिकॉर्डिंग द एक्चुअल स्टॉक, मतलब पूरे पूरे एक्चुअल स्टॉक को वेरीफाई किया जाता है, काउंट किया जाता है। ठीक है, इट कुड हैपन दैट द बुक स्टॉक एंड द फिजिकल स्टॉक डोंट मैच। अगर आपका बुक का स्टॉक और फिजिकल स्टॉक, मतलब कॉपी पे का या फिर सिस्टम पे का या फिर आपके जो भी जहाँ भी जिस तरीके से आप अकाउंटिंग करते हैं वहाँ का स्टॉक और ओरिजिनल स्टॉक मैच नहीं करता है, देखिए इट इज़ नॉट यूजुअल दैट द कंपनी फाइंड्स अ डिस डिस्क्रिप डिस क्या लिखा हुआ, कुछ गलत लिखे, बिटवीन एक्चुअल स्टॉक एंड कंप्यूट स्टॉक फिगर। देखिए सीधा सा मतलब है कि अगर मेरा स्टॉक मैच नहीं करता है, जैसे मान लीजिए कि हम अभी देखें कि आरा गोडाउन में 10 पीस था कॉपी, और हो सकता है 2 पीस चूहा काट दिया या फिर 2 पीस कोई लेके चला गया, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग फिजिकल स्टॉक यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे आइए, इन्वेंट्री वाउचर और अल्ट के साथ F10 बटन होता है। क्या होता है, अल्ट के साथ F10 बटन, यहाँ से हम फिजिकल स्टॉक करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए होंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ कि आफ्टर स्टॉक वेरिफिकेशन ऑन आरा गोडाउन डिफरेंट क्वांटिटी इन सेम आइटम। वहाँ पे क्वांटिटी कुछ डिफरेंट हो गया, कॉपी भी कम हो गई, पेन भी कम हो गया आरा गोडाउन में, तो हम यहाँ जाएंगे नेम ऑफ आइटम कॉपी, कहाँ आरा गोडाउन में क्वांटिटी कितना है 8 पीस, ओके, पेन आरा गोडाउन में 3 पीस। अब जैसे ही इंटर बटन दबा के एक्सेप्ट कराइएगा, आपका अब स्टॉक क्या दिखने लगेगा, 8 पीस और 3 पीस। मतलब हम अपना एडजस्ट कर लिए, देखिए यहाँ पे था कितना 10 10 पीस ना, अब आकर के देखिए स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री गो डाउन्स आरा, देखिए 8 पीस और 3 पीस हो गया। मतलब हम लोग स्टॉक को एडजस्ट करने के लिए ही ये वाला काम करते हैं, फिजिकल स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कैसे कैसे करते, गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री वाउचर्स और प्रेस अल्ट के साथ F10 बटन। ठीक है, तो और कुछ चीज़ें, बहुत बहुत कुछ चीज़ें मिलेगी आपको सीखने के लिए, और ये छोटा सा मेरा प्रैक्टिस था, आपको गोडाउंस के बारे में बता दिए, ट्रांसफ़र करना बता दिए और फिजिकल स्टॉक बता दिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है, फिर अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे अच्छी अच्छी चीज़ें। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और वीडियो को देखिए अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि अगर ये आपके बेनिफिट लायक नहीं है तो लॉस लायक भी नहीं है। आप कुछ भी चीज़ तो सीखेंगे, नहीं सीखेंगे तो कम से कम ये तो सीखेंगे कि ऐसा चीज़ होता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देखिए। ठीक, धन्यवाद।